हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग ने ओन कैपिटल के बारे में स्टार्ट किया था, जिसमें शेयर्स के बारे में मैंने आपको बताया था। और दो टाइप के शेयर होते हैं, उसमें इक्विटी शेयर के बारे में हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है। अभी हम लोग प्रेफरेंस शेयर के बारे में इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आपको अगर याद होगा इक्विटी शेयर के मीनिंग के बारे में, तो उसके ही अपोजिट है आपका प्रेफरेंस शेयर। जैसे मैंने आपको इक्विटी शेयर में क्या बताया था कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को दो चीजें मिलने का कोई प्रेफरेंस नहीं होता है, पहला तो डिविडेंड और दूसरा है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। सेम चीज यहाँ पे भी है, ये देखो डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये दोनों भी चीजों में प्रेफरेंस होता है। सो जिन शेयर होल्डर्स को ये दोनों चीजों में, मतलब डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में, इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर प्रेफरेंस होता है, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर के पहले इनको ये दो चीजें मिलती है, उसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। सो वही देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, दे गेट द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एवरी ईयर, दे गेट द रिटर्न ऑफ कैपिटल व्हेन कंपनी इज क्लोज डाउन और वाइंड अप। तो ये दो चीजों के ऊपर ही आपका इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग डिपेंड है। जिनको ये दोनों चीजें मिलने का प्रेफरेंस नहीं होता है, उनको हम लोग इक्विटी शेयर बोलते हैं। जिनको ये दोनों चीजें मिलती है, उनको हम लोग प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। और ये दोनों चीजें क्या होती है, मैंने आपको बोला था शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बदले में हर साल कंपनी उनको डिविडेंड देती है। और कैपिटल मतलब जब कंपनी बंद होती है तो इनके पैसे इनको क्या किए जाते हैं, वापस किए जाते हैं। बिकॉज कंपनी ने ये पैसे किसके लिए लिए थे, बिजनेस करने के लिए लिए थे, तो कंपनी बंद हो रही है तो ये पैसा वापस करना पड़ता है, या कुछ सालों के बाद में ये कंपनी को पैसे वापस करने पड़ते हैं। सो ये दो चीजें में जिनको प्रेफरेंस होता है उसको प्रेफरेंस शेयर बोलेंगे। नाउ फीचर्स हम लोग देखेंगे प्रेफरेंस शेयर का, जो हम लोग ने मीनिंग में पढ़ा सेम वैसा ही। पहला फीचर है प्रेफरेंस फॉर द डिविडेंड। इसका मतलब क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस मिलता है, प्रेफरेंस मतलब प्राथमिकता या पहली अपॉर्चुनिटी मिलती है। किसमें पहली अपॉर्चुनिटी या प्रेफरेंस मिलता है, तो डिविडेंड में। इनका डिविडेंड इनको हर साल टाइम पे मिल जाता है और इक्विटी शेयर होल्डर के पहले मिल जाता है। और अगर सपोज किसी साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो उनका वो जो डिविडेंड है उनको नेक्स्ट ईयर पे किया जाएगा, पर इनका डिविडेंड इनको कंफर्म मिलता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रेफरेंस फॉर द डिविडेंड। तो सबसे पहला फीचर हो गया कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका डिविडेंड जो होता है वो हर साल टाइम पे मिल जाता है बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स। दूसरा, इनको इनका कैपिटल भी वापस मिल जाता है जब कंपनी बंद होती है या फिर जब उनका टेन्योर होता है, टाइम पीरियड होता है वो खत्म होने के बाद में। जैसे कि हम लोग ने 10 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे, तो 10 साल खत्म होने के बाद में इनका कैपिटल इनको वापस मिल जाएगा। सेम चीज आपको यहाँ पे लिखना है कि इक्विटी शेयर होल्डर के पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा कंपनी रिटर्न कर देती है, कैपिटल रिटर्न कर देती है, तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंस फॉर रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। सो दोनों चीजें इनको पहले मिल जाती है, एक तो डिविडेंड और दूसरा रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। तीसरा है नेचर ऑफ कैपिटल, ये कैसा कैपिटल है। तो हम लोग ने इक्विटी शेयर में आपको याद होगा कि पढ़ा था कि इक्विटी शेयर का कैपिटल जो होता है वो परमानेंट कैपिटल होता है, प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल जो होता है परमानेंट नहीं होता है। बिकॉज ये कंपनी को क्या करना पड़ता है, कुछ सालों के बाद में रीपे करना पड़ता है, वापस करना पड़ता है, इसके लिए इसको हम लोग परमानेंट कैपिटल बोलेंगे नहीं। सो इट इज नॉट अ परमानेंट कैपिटल ऑफ द कंपनी, इट इज रिडीम आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। रिडीम का मतलब होता है रीपेमेंट, ये याद रखना। इसका जो रीपेमेंट होता है वो कुछ सालों के बाद में, जैसे 10 साल हो सकते हैं, 15 साल हो सकते हैं, 5 साल हो सकते हैं, उसके बाद में ये वापस करना पड़ता है। और कब कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, जब कंपनी शुरू होती है तभी इक्विटी शेयर इशू किए जाते हैं, और जब कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस चलते रहता है तो बीच में जब कंपनी को एडिशनल कैपिटल की जरूरत पड़ती है तभी कंपनी क्या करती है, प्रेफरेंस शेयर को इशू करती है। इसके लिए मैंने लिखा इट इज रेज एट अ लेटर स्टेज। लेटर स्टेज मतलब शुरुआत में इशू नहीं किए जाते हैं, जब कंपनी का बिजनेस शुरू हो जाता है और जब कंपनी को एडिशनल कैपिटल की जरूरत पड़ती है तभी कंपनी क्या करती है, प्रेफरेंस शेयर इशू करती है। और प्रेफरेंस शेयर काफी सारे क्या होते हैं, सेफ होते हैं, बिकॉज इसमें ना आपका डिविडेंड कहीं पे जा रहा है ना आपका कैपिटल कहीं पे जा रहा है, इसके लिए ये सेफ होते हैं। तो वही सब चीजें मैंने यहाँ पे बताया और यहाँ पे भी लाइन फॉर्म में बताया आपको। एक तो बताया ये परमानेंट नहीं होता है, इनको रिडीम किया जाता है या रीपेमेंट किया जाता है कुछ सालों के बाद में या कुछ टाइम पीरियड के बाद में, ये कंपनी के शुरुआत में नहीं, बाद में इशू किए जाते हैं जब कंपनी को एडिशनल कैपिटल की जरूरत पड़ती है, और ये काफी सेफ होते हैं। फिक्स रिटर्न, इक्विटी शेयर में हमने क्या पढ़ा था, फ्लक्चुएटिंग होता है उनका डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड जो होता है फिक्स्ड होता है। और ये डिविडेंड जो होता है वो प्री डिटरमाइंड होता है जब शेयर इशू किए जाते हैं। प्री डिटरमाइंड मतलब क्या कि ऑलरेडी उनको पता रहता है कि उनको कितना डिविडेंड मिलने वाला है,
तो प्रेफरेंस शेयर अगर आप देखोगे तो उसके ऊपर ही लिखा रहता है 10% प्रेफरेंस शेयर करके, 10% का मतलब क्या, उसके ऊपर 10% डिविडेंड मिलेगा करके। सो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड जो होता है वो हमेशा फिक्स होता है, इक्विटी शेयर का डिविडेंड कभी भी फिक्स होता नहीं है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड जो होता है कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड होता नहीं है, कंपनी को प्रॉफिट हो या कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो उनका डिविडेंड उनको मिल ही जाता है। ओके, वही मैंने लिखा है कि कंपनी को अगर लॉस भी हो गया तो भी प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड मिलता ही है। रिस्क, नाउ रिस्क में आप देख रहे हो कि इनको कम रिस्क बेयर करनी पड़ती है। क्यों कम रिस्क? बिकॉज डिविडेंड इनको हर साल मिल रहा है, उनका कैपिटल भी उनको फिक्स पीरियड के बाद में वापस मिल रहा है, सो ऑब्वियसली यहाँ पे रिस्क क्या होता है, कम होता है। तो देखो डिविडेंड टाइम पे मिलता है, रिपेमेंट ऑफ कैपिटल भी मिलता है। तो ये शेयर जो है वो शेयर होल्डर के लिए क्या है, बून है। बून मतलब बहुत अच्छे है जब डिप्रेशन होता है तभी। नाउ डिप्रेशन का मतलब क्या, जब भी सारा मतलब सब चीजों के दाम गिरना शुरू हो जाता है, बिजनेस ज्यादा अच्छे से चलता नहीं है, तो उस समय में प्रेफरेंस शेयर क्या करेगा, आपको रेगुलर इनकम देते रहेगा। बिकॉज प्रेफरेंस शेयर को तो डिप्रेशन से कुछ लेना देना नहीं है, भले ही कंपनी को लॉस हो रहा है बट इनको इनका डिविडेंड तो चालू ही रहेगा। इसके लिए ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए है बून है, स्पेशली जब डिप्रेशन होता है, जब कंपनी का प्रॉफिट कम होते जाता है। तो जब कंपनी का प्रॉफिट कम होता है उस पीरियड में भी ये क्या करते रहता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रेगुलर इनकम प्रोवाइड करता है। तो इसमें रिस्क बहुत ही कम है। चार्ज ओवर द असेट, ना चार्ज ओवर द असेट में जैसे मैंने इक्विटी शेयर होल्डर के बारे में बताया था तुम लोग कि इक्विटी शेयर होल्डर को अगर सपोज डिविडेंड नहीं दिया कंपनी में या कैपिटल नहीं दिया तो इक्विटी शेयर होल्डर क्या नहीं कर सकते, कंपनी के असेट नहीं लेके जा सकते हैं। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा अगर कंपनी ने वापस नहीं दिया डिविडेंड या फिर उनका कैपिटल, तो वो कंपनी के असेट लेके जा सकते हैं, उसको बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव चार्ज ओवर द असेट ऑफ कंपनी, मीन्स दे कैन टेक ओवर द असेट ऑफ कंपनी इफ द कंपनी डज नॉट पे देम डिविडेंड और कैपिटल ऑन टाइम। राइट और बोनस इश्यू, ये यहाँ पे जैसे देखो इक्विटी शेयर में क्या था, कुछ बेनिफिट थे वैसे ही कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे उसमें, कुछ रिस्क भी था उसके अंदर। वैसे प्रेफरेंस शेयर में जैसे हमने देखा कि उनको डिविडेंड टाइम पे मिल रहा है, उनको कैपिटल भी टाइम पे मिल रहा है, पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को राइट इश्यू और बोनस इश्यू मिलता नहीं है। इसके बारे में मैंने आपको इक्विटी शेयर में डिटेल में बताया हुआ है। बोनस इश्यू मतलब जो फ्री के शेयर्स होते हैं एज अ गिफ्ट कंपनी देती है, और राइट इश्यू का मतलब क्या होता है, जब कंपनी एडिशनल शेयर इशू करती है तो वो पहले इक्विटी शेयर होल्डर को दिए जाते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को राइट इश्यू भी नहीं मिलता है, बोनस इश्यू भी मिलता नहीं है। तो ये डिसएडवांटेज या ये प्रॉब्लम होता है तुम्हारे प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर, ये दोनों भी चीजें उनको मिलती नहीं है। फेस वैल्यू, प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू थोड़ी हायर होती है, जैसे कि 100 रुपया हो सकती है, कभी कभी 100 रुपये से ज्यादा भी हो सकती है, बिकॉज ये एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट है, इसके लिए इसका प्राइस जो होता है थोड़ा ज्यादा होता है, लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका प्राइस कितना है, 100 रुपया। सो इक्विटी शेयर के कंपेयर में प्रेफरेंस शेयर की प्राइस जो होती है वो ज्यादा होती है। मार्केट वैल्यू, प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू ज्यादा फ्लक्चुएट होती नहीं है, जैसे हमने इक्विटी शेयर में देखा था उनकी मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है, जैसे कंपनी के प्रॉफिट वगैरह बढ़ जाता है या कंपनी का डिविडेंड वगैरह कंपनी ज्यादा देती है तो इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू कम ज्यादा होती है, प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू ज्यादा कम ज्यादा होती नहीं है। और दूसरा, प्रेफरेंस शेयर की वजह से कैपिटल अप्रिसिएशन भी नहीं होता। कैपिटल अप्रिसिएशन के बारे में मैंने बताया था इक्विटी शेयर में कि कंपनी की वैल्यू बढ़ना, तो प्रेफरेंस शेयर की वजह से ना उनकी मार्केट वैल्यू कभी ज्यादा फ्लक्चुएट होती है, ना प्रेफरेंस शेयर की वजह से कंपनी का कैपिटल अप्रिसिएशन होता है, कंपनी की वैल्यू भी नहीं बढ़ती है। ये सिर्फ किसके वजह से होता है, इक्विटी शेयर के में होता है। ये टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, टोटल 8 टाइप के प्रेफरेंस शेयर होते हैं। पहला है क्यूमुलेटिव, दूसरा नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टिएबल, नॉन कन्वर्टिएबल, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसके मीनिंग नहीं बताऊंगा, बिकॉज हम लोग का जो आगे इसके बारे में टॉपिक आने वाला है कि टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उसके अंदर डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे जो 8 टाइप्स है उसके मीनिंग क्या है करके। तो यहाँ पे आप लोग सिर्फ क्या करो कि ये 8 टाइप के प्रेफरेंस शेयर होते हैं, इतना याद रखो। वोटिंग राइट, अभी प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं उनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं होते हैं। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स को नॉर्मल वोटिंग राइट होते हैं, वो कंपनी के हर एक मैटर में वोट करते हैं, वैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है। या फिर आप लोग बोल सकते हो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को स्पेशल वोटिंग राइट होते हैं, वो लोग सिर्फ 2 ही मैटर में वोट कर सकते हैं। और वो कौन से मैटर होते हैं, एक तो जब उनको उनका कैपिटल नहीं मिलता है तभी, और दूसरा उनका डिविडेंड जब उनको नहीं मिलता है।
ये दो मैटर के अलावा प्रेफरेंस शेयर होल्डर किसी भी मैटर में वोट नहीं कर सकते हैं. सो दे डू नॉट हैव एनी वोटिंग पावर और दे हैव ओनली स्पेशल वोटिंग राइट दैट इज मैटर रिलेटेड टू देयर कैपिटल एंड देयर डिविडेंड. तो ये दो मैटर्स में वो लोग वोट करते हैं, बाकी किसी में भी वो लोग वोट करेंगे नहीं. मतलब किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, किसी ऑडिटर को अपॉइंट करना है, कंपनी का डिविडेंड डिक्लेयर करना है, तो उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर का वोट लिया जाता नहीं है या उनको बुलाया नहीं जाता है. नेचर ऑफ इन्वेस्टर, प्रेफरेंस शेयर में कौन इन्वेस्ट करते हैं, तो बेसिकली जो मॉडरेट टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं. मॉडरेट मतलब जिनको ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं है. तो जिनको रिस्क लेना पसंद नहीं है मतलब ऐसे कौन लोग हैं, जो कंजर्वेटिव है, थोड़े से जो थोड़े कॉशियस है, उनको मतलब लॉस होने का डर लगता है, या जिनको सेफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा लगता है, या जिनको स्टडी रिटर्न चाहिए था. स्टडी का मतलब क्या होता है, उनको फिक्स रिटर्न चाहिए रहता है कि भाई इतना मुझे मिलना चाहिए. तो ये जो कंजर्वेटिव लोग होते हैं, कॉशियस लोग होते हैं, सेफ्टी में बिलीव करते हैं या स्टडी रिटर्न वाले लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं. बिकॉज प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, हर साल तुमको एक फिक्स अमाउंट मिलता है डिविडेंड के फॉर्म में, प्लस तुम्हारा कैपिटल भी तुमको मिल रहा है. सो ऐसे ही लोग इसमें क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं. टोटली आपका जो इक्विटी शेयर है उसके अपोजिट आपके प्रेफरेंस शेयर्स है. जो बेनिफिट्स इक्विटी शेयर होल्डर को मिल रहे थे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं मिल रहे थे. जैसे बोनस शेयर वगैरह हम लोग ने देखा, राइट इश्यू देखा हम लोग ने, वोटिंग राइट वगैरह देखा, जो इक्विटी शेयर होल्डर को मिल रहा था प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं मिल रहा था. और कुछ बेनिफिट ऐसे होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को मिलते नहीं है. जैसे डिविडेंट वगैरह या तुम्हारा कैपिटल वगैरह हो गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता नहीं है. ओके, सो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है. एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इसके ऊपर आपको या तो लॉन्ग आंसर आ सकता है, आपको इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आ सकता है, डिस्टिंग्विश भी आ सकता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ये मेरे URL है जहां से मैंने सारे इमेजेस लिए हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो रिकमेंड माई चैनल टू योर फ्रेंड्स. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.